रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली कैपिटल्स और बेंगलुरु के बीच यहां 12 मई को मैच खेला गया था। इसी मैच के दौरान एक दर्शक ने बासी खाना देने का बड़ा आरोप लगाते हुए KSCA के मैनेजमेंट और कैंटीन मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 सीजन अपने रोमांच और बेहतरीन मुकाबलों के साथ प्लेऑफ में एंट्री करने जा रहा है। वहीं इसी मैच का एक विवादित मामला सामने आया है। दरअसल IPL के दौरान दर्शकों को स्टेडियम में बासी खाना दिया जा रहा है। ये मामला विराट कोहली के होम ग्राउंड बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम से सामने आया है। अब इसी आरोपों के चलते कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के मैनेजमेंट के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। बता दें कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के मैनेजमेंट के खिलाफ IPL के दौरान दर्शकों के स्टेडियम में बासी खाना दिए जाने का बड़ा आरोप लगाया गया है। ये FIR 23 साल के चैतन्य ने कबन पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। दिल्ली कैपिटल्स और बेंगलुरु के बीच 12 मई को एक तरफा मुकाबला खेला गया था और इसी मैच के बीच ये कांड हो गया। जी हाँ, दरअसल चैतन्य भी IPL मैच देखने स्टेडियम पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कैंटीन का खाना खाया जिसके बाद उनका पेट खराब हो गया। इसके बाद चैतन्य बैठे बैठे ही गिर पड़े और सारा इल्जाम मैनेजमेंट पे लगा दिया है। स्टेडियम के कर्मचारियों ने मदद की और उन्हें स्टेडियम के बाहर एम्बुलेंस में उपचार के लिए भेज दिया गया। बता दें, डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ है। ऐसे में चैतन्य ने आरोप लगाया है कि कैंटीन के खाना खाने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद अब सारी मुश्किलें कप्तान विराट कोहली की बढ़ चुकी है।